भागने में जो है वो आफियत जानी। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की फजाइया, पाकिस्तान की आवाम अपने हाथों में अलम जिहाद बुलंद किए रखे होती है। उनके हाथ में हैदर करार मौला अली का झंडा होता है, उनकी शुजात का झंडा होता है, उनके हाथ में सैयदना उमर फारूक की हिम्मत का झंडा होता है, उनके हाथ में शहीद करबला हुसैन इब्ने अली की हिम्मत, वलवले और जज्बे का झंडा होता है, जिसका मुकाबला वो गाय का पेशाब पीने वाले नहीं कर सकते। तो मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करूँगा इंडिया ने जो हरकत की है, लेकिन इसके ऊपर भी उनके खाते में ज़िल्लत, रुसवाई, जगहसाई और शर्मिंदगी, तंज, इस्तेहज़ा, दशनाम और अफसोस के अलावा उनके खाते में कुछ नहीं आया। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त उनकी फ़जाइया और इंडिया तंज़ो मज़ाक का निशाना बना हुआ है। उनकी अपनी वजारत दफा ने कह दिया है कि हम तो जानते ही नहीं है कि कोई ऐसा एयर स्ट्राइक हुई भी है कि नहीं हुई है। तो जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक आज से 2 साल पहले उनका तंज़ो मज़ाक का शिकार हो गई थी, बिल्कुल इसी तरीके से अब उनकी एयर स्ट्राइक भी जो है वो तंज़ो मज़ाक का शिकार हुई है। और एक चीज़ और मैं आपके सामने रख दूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब ने एक जुर्रतमंद और पुरअमन लीडर होने की हैसियत से बड़ा क्लियर कट मैसेज उनको दिया था कि हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन मुल्क हैं, हम दहशतगर्द मुल्क नहीं हैं। लेकिन उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया मोदी सरकार ने। वजह उसकी क्या है कि मोदी जो है सिर्फ और सिर्फ अपना इलेक्शन जीतने के लिए, जो इलेक्शन इनका उनके सर पे खड़ा है, वो इस किस्म की हरकत कर रहा है और जंगी जुनून के अंदर पूरी इस खित्ते को जो है वो जंगी जुनून का जो है वो शिकार कर रहा है। तो मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए सिर्फ इतना कहूँगा, मोदी सरकार को यह मैसेज दूँगा कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के गले में ज़बरदस्ती जंग का ढोल मत बांधो। अगर तुमने ये ढोल बांध दिया तो 22 करोड़ पाकिस्तानी इतने ज़बरदस्त तरीके से फिर ये ढोल बजाएंगे कि 130 करोड़ हिंदुस्तानी फिर हमारे अशारों पे कथक नाच जाओ नाचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ख़बरदार, हमारे सरों पे जंग मुसलत मत करो और टेबल टॉक करो, मुज़ाकरात के टेबल पर आओ, मसले कश्मीर को हल करो, पाकिस्तान के पानी के मसले को हल करो, कुलभूषण सिंह यादव की तरह की दहशतगर्दी के इशू को सॉर्ट आउट करो। पाकिस्तान भरपूर तावन करने को तैयार है, लेकिन अगर तुम इस किस्म की हरकत करोगे तो इंशाल्लाह, मैंने पहले भी पिछले 3 दिनों में ये बात कही है, अब दोबारा कहूँगा, जिस इंडियन फ़ौज ने या इंडियन फ़ौजी ने पाकिस्तान की सरहद को अबूर करने की कोशिश की तो रब्बे काबा की कसम उसकी हड्डियों का वो सुरमा बनेगा जिसको हम अपनी आँखों में नहीं अपने जूतों पर लगाएंगे इंशाल्लाह। देखें, वज़ीर आज़म साहब ने इस पर इजलास बुलाया हुआ है, अभी भी इजलास हो रहा है। हमने करना क्या है, एक होता है ज़िम्मेदार मुल्क, एक होता है गैर ज़िम्मेदार मुल्क। गैर ज़िम्मेदार मुल्क ने जो हरकत की है 2:30 बजे, उनके अपने मुल्क के अंदर उनके अपने अदारे वजारत दफा से लेकर सिविल सोसाइटी और मीडिया उन्हें तनकीद का निशाना बना रहा है। यह है एक गैर ज़िम्मेदार मुल्क की गैर ज़िम्मेदार क़यादत का गैर ज़िम्मेदाराना एटीट्यूड, बिहेवियर, रवैया और एक्ट। एक होता है ज़िम्मेदार मुल्क। अब हमने क्या करना है, हम इस इशू की बुनियाद पे पहले तो यूएनओ से लेके इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम बताएंगे कि यह है इंडिया का फाशनाक चेहरा, यह है इंडिया का दहशतगर्दी के ऊपर मबनी चेहरा, यह है इंडिया का जुल्म और बर्बरियत के ऊपर मबनी चेहरा कि आप कश्मीरी आवाम के ऊपर जुल्म भी करो, जबर भी करो और उसके बाद सोने पे सुहागा, फिर आप आंखें दिखाओ अपने हमसायों को अपने जुल्म और जबर के ऊपर पर्दा डालने के लिए। पहले तो हम ये सारी पिक्चर क्लियर करेंगे, उसके बाद पाक फौज के हर जवान और हर अफसर के साथ इंशाल्लाह 22 करोड़ पाकिस्तानी, उसका दिल भी धड़केगा और उसके शाना बशाना हम उनके साथ होंगे और इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। पंजाब असेंबली में सूबाई वज़ीर इत्तला'आत फ़य्याज़ुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।